हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम वेक्टर चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब वीआईपी क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर दीज नॉन को लीनियर वैक्टर्स विद पोजिशन वैक्टर्स ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर रिस्पेक्टिवली, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी वैक्टर फ्रॉम दी लाइन ज्वाइनिंग ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज मॉड ऑफ बी क्रॉस सी वैक्टर प्लस सी क्रॉस ए वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी वैक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए वैक्टर। तो इसके लिए हमने पहले एक ट्राइंगल मान लिए, ए बी सी वैक्टर से जो बनी है, जिसके वर्टेक्स ए बी सी है। ए का पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर, बी का पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर और सी का पोजिशन वैक्टर सी वैक्टर, जो कि हमें दे रखा है। तो अब हमें इस सी वैक्टर की ए बी वैक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इस सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो दो तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, जो ये एड कॉरस्पॉन्ड वो थे साथ साथ के वेक्टर्स उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे वेक्टर की हेल्प से एरिया निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हाफ बेस क्या हमारा, यहाँ पर बेस है ए बी वेक्टर, और हाइट क्या है, हाइट तो हमारी एच है ही, जो कि हमें प्रूफ करनी है एच इसके इक्वल, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब सी डी वैक्टर है। और हाफ इसको हम ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसमें ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एच की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर का मोड, ठीक है, और डिवाइड बाई बी वैक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर का मोड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास एच क्या आ रहा है। अब हम इस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो बी वेक्टर पहले सी वेक्टर के साथ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ करेगा तो माइनस साइन, क्योंकि वहाँ पर माइनस है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब माइनस की बारी आएगी तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एच क्या जाएगा हमारा, ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो यहाँ पर थीटा जीरो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये जीरो हो जाता है, मतलब किसी वेक्टर के खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो आती है, हमें पता ही है। तो देखिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को तो ऐसे कैसे रखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए वेक्टर को ए क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो इसको बी ऐसे पलट देंगे तो सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मोड डिवाइड बाई, इसको ऐसे कैसे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये एच हमारी क्या थी, एच हमारी क्वेश्चन में थी सी डी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी हमारी, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। देख सकते हैं आप दोबारा से, ये एच ही हमें किसके इक्वल प्रूफ करनी थी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, और वही हमने प्रूफ कर दिए। तो ये इसका बहुत सही सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल्स टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इजकल्स टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, देन शो दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे इस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इसको इस साइड ले आएंगे, तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। और वही इसको भी हम ऐसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर।
अभी देखिए दोनों जीरो वेक्टर के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और ये माइनस, तो आई यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो अब हम इसमें से ए वेक्टर कॉमन ले लेंगे, तो क्रॉस तो ऐसे कैसे, ये बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू ऐसे यहाँ पर अगर हम सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा अगर हम यहाँ से डी वेक्टर कॉमन ले, ठीक है। तो अब इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, अभी डी वेक्टर को आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पर बी माइनस सी वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर इसको पलट देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस बी, सॉरी तो ये माइनस, तो आई अब जो डी वेक्टर को आगे लाएंगे वो माइनस आएगा, तो वो अंदर जाके इसको क्या बना देगा, देखिए डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव मैंने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या बन गया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अगर हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब देखिए इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो इसके तीन रीजन हो सकते हैं, आइदर ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू डी वेक्टर है, तो फिर ये तो ए वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारा, सेकंड क्या हो सकता है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है, लास्ट पॉइंट ये आता है कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकती है, लेकिन उसके लिए ए माइनस डी वेक्टर को पैरेलल होना पड़ेगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, तो ये हो सकता है, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं, और हमें प्रूफ भी यही करना था, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, देन एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर वेयर बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। तो इसके लिए हम बीटा 1 वेक्टर को मान लेते हैं a1i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और बीटा 2 वेक्टर को मान लेते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और हमारे पास ये दे रखी है कि बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस एक्स आई कैप प्लस बी प्लस वाई जे कैप प्लस सी प्लस जेड के कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। तो यहाँ से हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है, तो तीन कंडीशंस क्या है, ए प्लस एक्स इक्वल टू टू, बी प्लस वाई इक्वल टू वन एंड सी प्लस जेड इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गए, और हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है कि बीटा वन वेक्टर है ना वो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मतलब बीटा वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, पैरेलल की कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो बीटा वन वेक्टर हमने माना था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर है, अल्फा वेक्टर है हमारे पास थ्री आई कैप माइनस जे कैप, तो उसका लैम्डा टाइम्स हो जाएगा थ्री लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो यहाँ से इन दोनों कंपेयर करेंगे हम, जैसे ए की वैल्यू आ रही है थ्री लैम्डा, और बी की वैल्यू आ रही है माइनस लैम्डा, और सी की वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है। जैसे हमें सी की वैल्यू पता लग रही है, सी की वैल्यू जीरो,
यहाँ पर जैसे सी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास पता लग गई -3। ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई हमारी -3। और ठीक है, तो सेकंड हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि बीटा टू वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर अल्फा वेक्टर के। तो बीटा टू वेक्टर हमने माना था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वो परपेंडिकुलर होगा अल्फा वेक्टर के, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर के इक्वल टू जीरो आएगी, हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा वेक्टर था हमारा 3i कैप माइनस जे कैप, तो जीरो आएगी। ठीक है, जीरो आएगी, तो ऐसे कंडीशन आ रही है 3x-y इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया 3x इक्वल टू y। 3x की ऊपर 3x की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन हमारे पास पहले ही कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस एक्स इज टू 2 एंड b प्लस y इक्वल टू 1 और a की वैल्यू 3 लैम्डा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 लैम्डा पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2-3 लैम्डा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास -लैम्डा, तो ऐसे y क्या आ जाएगा 1+लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी 2-3 × 2-3 लैम्डा इक्वल टू y की वैल्यू आई थी हमारे पास 1+लैम्डा। ठीक है, 1+लैम्डा क्या जाएगा 6-9λ इज क्वेश्चन 1+λ। तो ये 9λ उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 10λ, और ये 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 5। तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 1/2 लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और एक्स हमारा आया था 2-3λ, तो ऐसे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2-3λ, मतलब 2-3/2, तो ये आ रही है 1/2 एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 1/2 आई, तो वाई की वैल्यू वाई है 3x के इक्वल, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, वाई की वैल्यू आ गई। और यहाँ से आपको पता ही है जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जेड की वैल्यू हमारी -3 पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू -3 आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बीटा टू वैक्टर तो आ चुका है, बीटा टू वैक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, तो आ गया 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस का 3 k कैप, बीटा टू वेक्टर ये। और बीटा वन वेक्टर था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास आ रखी थी, ए की वैल्यू मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 3λ और बी की वैल्यू आई थी -λ, सी तो हमारा 0 है। तो ए की वैल्यू 3λ, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3/2, बी की वैल्यू आई थी -λ, तो ये हो गया -1/2, और सी तो हमारे पास आई 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बीटा वन वेक्टर क्या आ गया, बीटा वन वेक्टर आ गया हमारा 3/2 आई कैप -1/2 जे कैप, और के कैप में तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थर्ड क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।